नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि गुड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा राजस्थान टू मुंबई फॉर ₹20,000 एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे इफ द रेट ऑफ GST इज 12% एंड द प्रॉफिट मेड एट मुंबई इज ₹5,000 फाइंड द नेट GST पेड एट पुणे इफ द डीलर एट पुणे इज द एंड यूजर। यहाँ पर कोई गुड्स है जो कि कोटा राजस्थान से मुंबई को सेल किया गया है 20,000 में और फिर मुंबई से पुणे और रेट ऑफ GST जो दिया हुआ है वो 12% दिया हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट मेड एट मुंबई, मुंबई में जो प्रॉफिट हुआ है वो 5,000 है। तो आपको ये बताना है कि नेट GST कितना पे किया गया पुणे में और पुणे में जो है वो एंड यूजर है, ठीक। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे फ्रॉम द डीलर इन मुंबई, यहाँ पर डीलर इन मुंबई ये इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। और यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ₹20,000 है, कॉस्ट प्राइस ₹20,000, ठीक। कॉस्ट प्राइस ₹20,000 है, यहाँ पर IGST अप्लाई होगा। जो IGST अप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा, IGST 12% ऑफ ₹20,000, देन 12/100 इंटू 20,000, 0-0 से कैंसिल हो गया और यह हो गया 12 × 2 = 2400। जो ₹2400 है वो IGST अप्लाई हुआ। अब यहाँ पर आपके पास जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट कितना है, 5000 है। तो यहाँ पर ₹5000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्लियर हो गया। अब SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा ₹20,000, इसमें परचेस किया गया और 5000 इस पर प्रॉफिट लिया गया, तो ये हो जाएगा ₹25,000, ठीक है। 25, अब डीलर ने क्या किया, मुंबई, ठीक है, यहाँ पर डीलर इन मुंबई, सॉरी डीलर इन पुणे, डीलर इन पुणे, पुणे में क्या है, ये भी इंट्रा स्टेट है, ये इंट्रा स्टेट है क्योंकि ये सेंटर के अंडर में आता है, तो इंट्रा स्टेट हो जाएगा, इंट्रा स्टेट हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो कॉस्ट प्राइस होगा वह ₹25,000 होगा और 25,000 पर CGST होगा, पहले अप्लाई जो सेंटर के पास जाएगा, CGST जो होगा वो हो जाएगा 6%, क्योंकि 12% का हाफ ऑफ कर लेंगे, 6% ऑफ ₹25,000, देन आप यहां पर 6/100 इंटू 25,000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0, 6, 5, 30, 12, 3, 15, ₹1500 क्या हो जाएगा, CGST हो जाएगा। अब इस पर SGST भी अप्लाई होगा, तो SGST क्या है, 6% ऑफ ₹25,000 स्टेट के पास रह जाएगा, तो ये भी कितना जाएगा, इसी का इक्वल होगा, तो यहाँ पर ₹1500 हो जाएगा, ठीक। अब ये 1500 हो गया, फर्स्ट GST पे, GST paid, ठीक, by the end user at Pune, पुणे में जो यूज हुआ वो 1500 और प्लस 1500 इज इक्वल टू 15, 15, 30 and 00 कितना आएगा, ₹3000 क्या होगा, वो जो होगा एंड यूजर के थ्रू GST पेड होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक्स टू वॉच। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक व्यक्ति का नाम है जिसको ए से मेंशन किया है, इज अ डीलर इन बनारस UP, वाराणसी में है जो कि यूपी में है, ही सप्लाइज गुड सर्विसेज वर्थ ₹8,000, उसने किसी गुड्स को सप्लाई किया है, अपनी सर्विस दी जो है वो 8,000 का है, टू अ डीलर बी, तो डीलर है उसको बी से मेंशन किया गया है, इन आगरा,
डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड सर्विसेज डीलर इन पटना बिहार। अब स्टेट चेंज हो गया, ठीक है, जो ए और बी है वो यूपी से है और जो सी है वो पटना बिहार से है। एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1200 फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर द डीलर सी अंडर जीएसटी सिस्टम। आपको इनपुट और आउटपुट टैक्सेस करना है फाइंड डीलर सी का जीएसटी सिस्टम के अंतर्गत। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड सी डज नॉट सेल इज गुड सर्विस फर्दर, और जो सी है वो अपने गुड्स और सर्विस को आगे सेल नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर आप सबसे पहले देंगे कि फॉर द डीलर ए, फॉर द डीलर ए, ठीक है, डीलर क्या है, ए इंट्रा इंट्रा स्टेट, ठीक। अब यहां पर जो एसपी गिवन है, एसपी वो कितना है, 8000 है, रुपीज 8000, ठीक है, एसपी। और फॉर द डीलर बी, यहां पर फॉर द डीलर बी ये भी क्या है, ये भी आपका इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट, ठीक है। और इसके लिए जो सीपी बनी है यहां पर, क्योंकि ये इसको ए बी को बेच रहा है तो ए का एसपी होगा और बी का सीपी हो जाएगा, तो ये रुपीस कितना जाएगा, 8000 जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहां पर जो सीपी है, सीपी इज इक्वल टू रुपीज 8000 एंड अब यहां पर सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी, ठीक है, सेंटर के पास जाएगा और यहां पर 18% है तो उसका 9% हो जाएगा, तो यहां पर सीजीएसटी, सीजीएसटी जो होगा 18 का हाफ 9% हो जाता है, 9% ऑफ 8000 रुपीज, देन 9/100 इंटू 8000, 00 से कैंसिल हो गया, 9/8 = 72, 720 रुपीज। यहां पर एसजीएसटी भी आएगा, एसजीएसटी भी है आपका 9% ऑफ 8000, इसी प्रोसेस से ये भी हो जाएगा 720 रुपीज, ठीक है। गिवन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है ये हमें गिवन है, गिवन प्रॉफिट कितना है, 1200 है, तो यहां पर रुपीज हमने लिख दिया 1200, क्लियर हो गया इतना। अब क्या करना होगा, यहां पर जो एसपी हो जाएगा कितना जाएगा, ठीक है, गिवन प्रॉफिट 1200, तो एसपी कितना जाएगा, एसपी जानने के लिए सीपी, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी हमारे पास कितना रुपीज है, 8000 और प्लस 1200, तो यहां पर जब इसको हम प्लस कर देंगे तो ये जाएगा 9200, ठीक है, प्रॉफिट गिवन है, एसपी जानने के लिए सीपी में हम प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, कितना जाएगा यहां पर, 9200 जाएगा, क्लियर हो गया। अब क्या करना है यहां पर, अब यहां पर आपको सी के लिए चलना है, तो फॉर द डीलर सी, फॉर द डीलर सी, सी के लिए क्या है, ये इंटर स्टेट है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, तो जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस होगा ये बनेगा एसपी, इसने बी ने सी को भेजा है तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा, 9200 हो गया। अब यहां पर आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी कितना जाएगा, 18% ऑफ 9200, देन 18/100 इंटू 9200, ये जीरो कैंसिल हो गया, अब आप 18 की मल्टीप्लाई 92 से कर दो तो 1656 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना स्टेटमेंट क्या देंगे, एज द डीलर इन पटना, इन पटना डज नॉट सेल इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट थस आउटपुट, द आउटपुट, ठीक है, जीएसटी टैक्स ऑन सेल, टैक्स ऑन सेल
क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने अपने गुड्स या सर्विस को आगे वो सेल नहीं करता है, इसलिए जो उसका टैक्स हो जाएगा वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक्स टू वॉच।